हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। अभी मैं इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर हूँ और मैं 1.5 महीने बाद अपने घर पहुँच रहा था। मेरी फ़्लाइट है यहाँ से गोवा की, थी मेरी, वो फ़्लाइट छूट गई। 12:45 की फ़्लाइट थी विस्तारा की दिल्ली से गोवा की। तो बहुत अच्छा फील कर रहा था कि 1.5 महीने बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ और दिल्ली में पानी वानी भरा हुआ है, ट्रैफिक जाम बहुत रहता है। तो इस सब के चक्कर में मैंने जो होटल बुक किया था वो बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने ही किया था, महिपालपुर में, बिल्कुल 2 किलोमीटर के अंदर ही, 2 या 3 किलोमीटर के अंदर ही मैंने होटल बुक किया था। कल ही मैंने चेक इन कर लिया था, ई बोर्डिंग मैंने कल ही कर लिया था। मुझे उसमें मैसेज आया कि आप 45 मिनट पहले आपको बोर्डिंग काउंटर पे आना है, मतलब बोर्डिंग करनी है। तो मैं वही सोच के पूरे एग्जैक्ट मैं 12 बजे बोर्डिंग काउंटर पे था, पर मेरे आगे 3-4 लोग थे, 2-3 बार उन्होंने लाइन डाइवर्ट कर दी। ये सब करने के चक्कर में मतलब वहाँ टाइम लग गया। 12:08 पर मैं काउंटर पे आ गया, मेरा नंबर भी आ गया 18 पे, और उन्होंने बोला कि अब हम आपका लगेज नहीं लेंगे क्योंकि लेट हो गए हैं, तो आप लगेज अब बाई हैंड लेके जाओ। फिर मैं वहाँ से, मैंने उनको बोला कि यार आपकी वजह से मैं लेट हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आपको पहले आना चाहिए था, ये वो ऐसे करके। फिर मैं भागा सामान लेकर के, अब क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को मालूम था कि लगेज में डाल देता हूँ, क्योंकि चेक इन सिक्योरिटी में वो चेक होती हैं तो वो फिर उनको दिक्कत होती है। तो मैंने वो बैग में डाली हुई थी कि वो तो लगेज में चले जाएगा, तो उन्होंने वो बैग वगैरह सब खुलवाया वहाँ पे। उसमें भी मेरे 5-7-10 मिनट निकल गए। मतलब ओवरऑल बात यह है कि 12:36 पर, एग्जैक्ट 12:36 पर मैं काउंटर पे था, मेरी आंखों के सामने प्लेन खड़ा था। 9 मिनट बाद वो फ्लाइट में उड़ना था, बल्कि 9 मिनट तो टाइम था, कई बार वो और 15-20 मिनट भी लेट होता है, पर उन्होंने कहा कि 20 मिनट पहले डोर क्लोज़ हो जाते हैं, आपको 20 मिनट पहले आना चाहिए था, आप 9 मिनट पहले आए हो। उसने अंदर फ़ोन भी किया तो उन्होंने कहा कि नहीं अब एंट्री नहीं होगी। फाइनली मेरी वो फ़्लाइट छूट गई, और कमाल की बात यह कि वो छूट गई, फिर उन्होंने मेरे को, उनके स्टाफ ने एग्ज़िट करवाया, मतलब आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलवाया, एग्ज़िट करवा करके मुझे अपने रिजर्वेशन काउंटर पर छोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर रिजर्वेशन काउंटर पर जाओ वहाँ पर आप बताना कि बोर्डिंग की वजह से मेरी फ़्लाइट छूटी है, तो वो जो भी अगली फ़्लाइट होगी उसमें आपको एडजस्ट कर देंगे सेम टिकट पर। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं नहीं अब आपको नई टिकट ख़रीदनी पड़ेगी और ये टिकट एडजस्ट नहीं होगी, और उन्होंने कहा आज कोई फ़्लाइट भी नहीं है। हमने चेक किया, आज फ़्लाइट है विस्तारा की, 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मतलब मेरी जो छूटी है फ़्लाइट वो डायरेक्ट फ़्लाइट थी, मतलब 12:45 पर उड़ना था, 3:15 उसने वहाँ पहुँच जाना था 3:30। अब जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो रात को यहाँ से 9 बजे उड़ेगी, फिर अहमदाबाद जाएगी और अहमदाबाद से गोवा सुबह 8 बजे पहुँचाएगी, मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो और पर उन्होंने उसमें भी मेरे को एडजस्ट नहीं किया। अब मैं बैठा हूँ, अब सोच रहा हूँ कौन सी टिकट बुक करूँ, एयरपोर्ट के अंदर हूँ अभी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कुछ खा लूँगा। मतलब मैंने ब्रेकफास्ट किया था बढ़िया, फ्रूट वगैरह खाए थे मैंने, कब 2-3 घंटे को तुम्हें तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, मैं 3:30 बजे तक गोवा, और गोवा पहुँच के अपना घर का खाना खाऊँगा, पर हो ना सका। तो दोस्तों ऐसा कभी ना कभी तो होना था, जब आप इतने सारे एयरपोर्ट पर आते हो जाते हो, कई बार आपसे भी गलती होती। हालांकि मौसम और बारिश का ये सब देखने की वजह से मैंने महिपालपुर, मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने होटल बुक किया, 12:45 पर मैं आ भी गया था। 12:45 करूँ यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इस समय, क्योंकि बहुत भागा मैं। 43 नंबर गेट से मेरी फ़्लाइट थी और वो सबसे लास्ट में था, तो मुझको इतना भागना पड़ा सारा लगेज लेकर के कि क्या बताऊँ। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतनी भीड़ है, मतलब एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए भी ना, मतलब इतने सारे गेट हैं और उन सब में इतनी भीड़ है कि मुझे लास्ट गेट पे उन्होंने भेजा कि वो खाली है। वो लास्ट गेट से मुझे फिर जो विस्तारा का काउंटर था वो ए और बी था, तो सोचो कि मतलब मैं एल या एन के पास में मैं निकला था, वहाँ से मुझे ए पे आना पड़ा, फिर वहाँ से 43 सबसे लास्ट वो था, वहाँ जाना पड़ा, सिक्योरिटी चेक में टाइम लगा,
मतलब वही वाली बात है कि 2-3 घंटे ही पहले आपको आना चाहिए। हर बार मैं ऐसे ही करता हूँ, इस बार मैंने कहा यार मेरी तो डोमेस्टिक फ़्लाइट है, ज़्यादा चेकिंग वगैरह भी नहीं होनी है, सामने एयरपोर्ट के है। 11 बजे मैंने होटल से चेकआउट किया, कैब बुलवाई मैंने ऊबर, उसने मुझे एयरपोर्ट पे भी टाइम पे ही छोड़ दिया क्योंकि पास में ही था। टिकट वेस्ट हो रही है उसकी दिक्कत नहीं है कि भाई टिकट के पैसे वेस्ट हो गए। आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि आप घर जा रहे हो, वहाँ खाना खाओगे, पहुँच जाओगे 2 घंटे में। और मैं दिन दिन में पहुँचना चाहता था क्योंकि ये लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आएंगे तो दिन में ये लोग भी आराम से आ जाएंगे। गोवा में भी मानसून बहुत तेज़ है, मैंने इनको कहा भी है कि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो मत आना। पर जो भी है, ये भी एक एक्सपीरियंस जुड़ना चाहिए था सोलो ट्रैवलिंग में, तो जुड़ गया। बाकी देखते हैं, चलो अभी आपको मैं करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली फ़्लाइट तो गई मेरी, और अब दूसरी कोई फ़्लाइट है नहीं डायरेक्ट, सब कनेक्टिंग है। 26-26 घंटे लेंगी गोवा पहुंचने के, मतलब यहाँ कोई अहमदाबाद से है, कोई मुंबई से है, फिर 8-8, 10-10 घंटे वो एयरपोर्ट पे, 12-12 घंटे एयरपोर्ट पे वो लगवा रहे हैं, मतलब वो है। अब सोच रहा हूँ, मैंने फाइनली ये फैसला किया है कि मैं वापस जाऊँ और एक होटल बुक करके रहूँ, और कल की फ़्लाइट मिल रही है डायरेक्ट 4 बजे की। तो अब यही है कि वापस जाऊँ जिस होटल में मैं रुका था, उस होटल में ही चले जाता हूँ, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है, क्वालिटी ब्रेकफास्ट की अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, वहीं जाता हूँ। भूख भी बहुत लग रही है, और कल एक इंडिगो की फ़्लाइट है 4:40 की, मतलब 4:40 की, तो उसको बुक कर लेता हूँ। अमजद का कोई जान पहचान वाला विस्तारा में है, अमजद ने वो विस्तारा में, और इस समय वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही है IGI में, ये IGI से दोनों फ्लाइटें जाती ना, इंटरनेशनल भी और इंटरस्टेट भी। तो उसका भी फ़ोन भी आया था, उसने टिकट भी मंगवाई, अगर वो एडजस्ट कर देगा तो ठीक है, फिर तो कनेक्टिंग में भी चले जाएंगे, भी 5-7 हज़ार बच जाएंगे, और होटल का भी बच जाएगा। और अगर वो नहीं उठ पाता है, मैं उसी के फ़ोन की वेट कर रहा हूँ, तो फिर तो यही है कि मैं यहाँ से एक होटल बुक करूँ और कल की फ़्लाइट लूँ। मतलब जो भी है टोटल कुल मिला करके मेरे 6,000 रुपये की फ़्लाइट की टिकट के पैसे गए, और अब लगभग लगभग 10,000 रुपये से 12,000 रुपये और लगेंगे, क्योंकि खाना, होटल, और अब यहाँ से होटल जाना, होटल से वापस यहाँ आना, और कल एक नई टिकट कल के लिए बुक करनी, तो टोटल मतलब 16-17 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। मतलब जहाँ मैं 6,000 रुपये में, 5,400 रुपये में गोवा पहुँच रहा था, वहाँ वो 5,400 तो गए, अब कल की फ़्लाइट की टिकट लेनी पड़ेगी जो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, होटल लेना पड़ेगा, और खाना वगैरह खाना ये सब करना, और उस फ़्लाइट में इंक्लूडिंग मील था सब कुछ डिसाइड किया था हमने, पैसे देके टिकट भी, सीट भी हमने बुक करी थी अपने पसंद के हिसाब से। तो जो भी है, ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में, गाना है ना, ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 नहीं सॉरी ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, सलमान खान का हर दिल जो प्यार करेगा, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हाँ तो मेरे साथ भी 17-18 सालों में पहली बार हुआ है, नहीं ज़्यादा, मैंने पहली फ्लाइट 2000 के आसपास पकड़ी, ऐसा पहली बार हुआ है 23-24 सालों में। क्या करें बॉस, चलो